नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदाता जागरूकता अभियान को मिले गति, कैंडल मार्च का हुआ आयोजन। पुलिस गिरफ्त में टॉप 10 में वांछित अपराधी इरफान, दो दिन का लिया रिमांड। लोकसभा चुनाव 2019 द्वितीय मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। माकपा कार्यकर्ताओं ने किया टाउन थाना का घेराव, चोरी लूटपाट और मर्डर जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा आम चुनाव 2019 के दृष्टिगत 6 मई 2019 को मतदान के लिए आम जन को प्रेरित करने और अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जिले में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को और गति देने के लिए गुरुवार को जिला व उपखंड मुख्यालयों पर कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर दुर्गा मंदिर, धर्मशाला से बस स्टैंड, राजीव चौक होते हुए भगत सिंह चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार असीजा, डीआईजी स्टाम्प भवानी सिंह पवार, नोडल अधिकारी स्वीप परशुराम धानका, एसडीएम कपिल कुमार यादव सहित अधिकारीगण मौजूद थे। इससे पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को नैतिक मतदान की शपथ भी दिलाई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए 6 मई 2019 को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा लोकसभा आम चुनाव 2019 में आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप कैलेंडर जारी किया गया है, जिसके तहत जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीप गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने स्वीप कैलेंडर के अनुसार तिथिवार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मई 2019 को जिले में लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान होना है और उसी सिलसिले में स्वीप योजना अंतर्गत जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आज ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी एनसीसी, स्काउट और युवा मतदाता, साथ ही जो स्कूलों के बच्चे हैं, सभी ने आज ये कैंडल मार्च निकाल के मतदाताओं को ये संदेश दिया है कि हमें 6 मई को मतदान अवश्य करना है, ताकि हमारे ज़िले का जो गत लोकसभा चुनाव में 69.08% मतदान था, उसको बढ़ाकर हम उससे अधिकाधिक कर सकें। जिले का हार्डकोर अपराधी और टॉप 10 में शामिल वांछित अपराधी इरफान अब पुलिस की हिरासत में है। लखवाली चौकी पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए इरफान को दो दिनों का रिमांड कर लिया है। इरफान के कब्जे से देशी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जिले का हार्डकोर अपराधी और टॉप 10 में शामिल अपराधी इरफान अब पुलिस गिरफ्त में है। लखवाली चौकी पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि इरफान पर 307 सहित लगभग 25 मुकदमे चल रहे हैं। वही यह टॉप 10 में वांछित अपराधी है। पुलिस ने लखवाली प्रकरण में इरफान सहित दो अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। टाउन थाना पुलिस ने इरफान को दो दिनों के रिमांड पर लिया है, जिससे पूछताछ में कई अन्य मामलों के खुलासे होने की भी उम्मीद है। इरफान के कब्जे से देशी पिस्तौल सहित दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चलाए जा रहे अभियान PHQ के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 10 टॉप 10 वांछित अपराधियों में से जिला स्तर का अपराधी इरफान पुत्र काले खां को 307 के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस चौकी लखूवाली के स्टाफ और जाब्ते ने मिलकर के गिरफ्तार किया है और इरफान से एक देसी पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिससे अभी तफ्तीश की जा रही है।
जो अभी पुलिस रिमांड पे हैं, आगे इनसे अनुसंधान किया जाएगा जो किन किन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और क्या क्या इन्होंने आगे पहले भी किया है उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी। ये जिला स्तर का हार्डकोर अपराधी है, थाने का हार्डकोर अपराधी है और इसके करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसके सभी प्रकार के मुकदमे हैं, लूट के, चोरी के और मारपीट के, पुलिस के साथ भी बदमाशी के इसके मुकदमे दर्ज हैं। कितने दिन का रिमांड है सर? इसे 2 दिन का रिमांड है और फिर उसके बाद में इसको जैसी कराया जाएगा। उसमें ही इसे अरेस्ट किया है और उसमें इसके 2 साथी हैं, उनको भी अरेस्ट किया। 3 मुलजिम थे, 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे बरामदगी हो चुकी है। वही टाउन थाना पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर बीएल मीणा व एसपी कालूराम के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के तहत दौराने गश्त गांव गुड़सर से छोटे सिंह बाजीकर के घर छापामारी कर 7 पेटी देशी शराब जब्त की है, जिसमें 336 पौवे शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि छोटू सिंह मौके से फरार था। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज और श्री कालूराम जी राव जिला पुलिस अधीक्षक वारंट द्वारा जो अवैध शराब, जुआ, सट्टा और वांछित अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में कल सुबह दौराने गश्त हमारा स्टाफ राकेश कांस्टेबल, मनोज कांस्टेबल और वासुदेव जी हेड कांस्टेबल चालक के साथ इलाका हाजा में गश्त के दौरान गांव गुरुसर में छोटू सिंह बाजीगर के मकान में से कुल 7 पेटी 336 पौवे देशी शराब के बरामद कर तफ्तीश आगे श्री नवदीप सिंह जी द्वारा की जा रही है और मकान मालिक छोटू सिंह है जो मौके पर मौजूद नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदान दल कार्मिकों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के दौरान शुक्रवार को द्वितीय मतदान अधिकारियों को मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमृत स्याही लगाने, मतदाता रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टियां दर्ज करने, मतदान पर्ची जारी करने इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर एमपी सिंह ने बताया कि द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा रजिस्टर मेंटेन करना अहम कड़ी है। तो ये मार्क कॉपी जो है एक प्रति में मिलेगी, जबकि 2 अन्य प्रतियां कार्यकारी प्रतियां होंगी, वर्किंग कॉपीज होंगी, जो कि एक आपके पास रहेगी द्वितीय मतदान अधिकारी के पास और एक पीठासीन अधिकारी के पास रहेगी। मार्क्ड कॉपी जो है मतदाता सूची की, वो प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहेगी, जिसके अंदर वो आने वाले प्रत्येक मतदाता की जो सूचना है उसको देख करके उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद उसके विवरण को रेखांकित करेगा लाल पेन से। तो ये तीनों ही मतदाता सूचियां जब आपको मिल जाए तो आप ये सबसे पहले इसके ऊपर अंकित विवरण को देख कर ये सुनिश्चित कर लें कि वो आपको आवंटित बूथ जो है उसी बूथ के भाग संख्या की है। इनकी मोहर आपको टीओ काउंटर से ही मिल जाएगी और उसके बाद उसी काउंटर से आपको 3 मतदाता सूचियां मिलेंगी। ये तीनों मतदाता सूचियां, उनमें से एक मार्क्ड कॉपी यानी चिन्हित प्रति होगी। चिन्हित प्रति जो है उसका हर एक पन्ना उसके ऊपर मार्क्ड कॉपी लिखा हुआ होगा। आज द्वितीय मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। द्वितीय प्रशिक्षण जो मतदान अधिकारी है वो अमित शाही जो है वो बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाएगा। उसके पास एक मतदाता रजिस्टर होगा जिसके अंदर मतदाताओं की जो विभिन्न प्रविष्टियां हैं वो उन्हें दर्ज करेगा और उसके बाद में वो एक मतदाता पर्ची जारी करेगा जो कि मतदाता जो है वो PO3 के पास लेकर के जाएगा और वहाँ से उसे एक बैलेट इशू किया जाएगा जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर के मतदाता अपने वोटिंग वोट का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनका द्वितीय मतदान अधिकारी जो है वो अपने मतदाता रजिस्टर के अंदर इंद्राज करेगा, जैसे कि अगर कोई प्रॉक्सी वोटर आता है, प्रॉक्सी वोट जो है वो सशस्त्र जो सेनाएँ हैं उनके अंदर कार्यरत जो व्यक्ति है उनको दिया जाता है, उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति प्रॉक्सी वोट के रूप में वहां पर आता है और वो समस्त प्रक्रियाएं जो है वो पूरी करता है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज माकपा कार्यकर्ताओं ने टाउन थाना का घेराव किया। जिले में बढ़ती चोरी लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगाने में रवि मेघवाल और पवन व्यास हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और जिले भर के थानों का घेराव के चलते टाउन थाना के समक्ष भी प्रदर्शन किया गया। प्रशासन मुद्दा मुद्दा मुद्दा
अपराधियों से डरने वाली पुलिस प्रशासन जो आज की हालात है और जो हमारी पुलिस बेविश्वासी काम कर रही है उसके बारे में साथियों लंबा चौड़ा बताया, और ये बताया नहीं, कोई बात ऐसी नहीं कि इसमें कोई बात झूठ की होगी। हम बड़े दुखी होकर के आज जो तहसील में ठाणे हैं उनके ऊपर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, सब जगह हुआ है। साथियों कोई भी पीड़ित आदमी, कोई भी दुखी आदमी भाग के आता है थाने के अंदर, और थाने के अंदर इस तरह का वातावरण हो, सौदेबाजी हो, जो सही पुलिस ने काम करना जिसके लिए वर्दी पहनी है वो काम नहीं हो, सौदेबाजी हो, ये साथियों ठीक नहीं है। आके देख लो, आपको सारे के सारे जितने वहां मिलेंगे वो तैयार मिलेंगे, फ्री की मिल रही है, पोस्ट फ्री का पड़ा है, चिट्टा फ्री का पड़ा है, लोग पैसे के लिए तरस रहे या फ्री का खाना खा रहे। हम आपको इसी बात के लिए आज आए हैं कि इस तरीके का व्यवहार इस इलाके की जनता और खास तौर से ये संघर्षों की धरती है हनुमानगढ़ की, ये थाना हनुमानगढ़ की जनता का है सर, और ये जनता यही रहती है। यहाँ वर्दी वाले इससे पहले बहुत आए हैं और बहुत चले गए, ये थाना उनका पैदाइशी नहीं है, लेकिन हनुमानगढ़ की जनता का पैदाइशी थाना है, इस पे जनता का राज चलेगा, पुलिस का राज पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कि हनुमानगढ़ के अंदर रवि हत्याकांड हुआ और हमारे संगठनों ने बार बार उसको थाने को घेरा, एक ही बात कह रहे हैं चार महीने से जी पकड़ेंगे। और पवन व्यास कांड हुआ उसके अंदर आई जी आपकी पुलिस को निकम्मा बता गई, पहले वाली एसपी आदराम फासले को वो निकम्मा बता के गया, हमने उनसे कहा था कि वो निकम्मा है, चूरू में है, आपके संभाग में है, तो उस निकम्मे को निकालो। उसकी गलती से एक अगर मर्डर नहीं पकड़ा गया तो गलती उसकी थी। हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम अब लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस लोग चुनाव में है, और आपके दिमाग में थाने वालों के ये हो जी ये तो चुनाव में लगे अब यहाँ लूट मचाएंगे, गरीबों को लूटेंगे, ये लाल झंडे के लोग चुनाव के साथ साथ आपका भी काम करेंगे। इसलिए सरदार जी नए आए हो तो थोड़ा हनुमानगढ़ का डिटेल पढ़ लेना, थोड़ा ठीक रहना, रात को पियो तो घर पे छुट्टी ले लेना, गलती से थाने में मिल गए हम पकड़ के मेडिकल मुआयना करा देंगे आपका, ये देख लेना। सलाम करता हूँ जो साथी यहाँ नए आए हैं पुलिस स्टेशन में, उनको मैं निवेदन कर दूं कि ये इलाका स्वर्गीय कामरेड छप्पन सिंह जी की संघर्ष स्थली रहा है, और उसने हजारों हजारों ऐसे नौजवान पैदा करके यहाँ छोड़े हैं जो हर अत्याचार के खिलाफ संघर्षशील रहते हैं, हर अन्याय के खिलाफ संघर्षशील रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पुलिस वाले थोड़ा अपना रवैया सुधारे और कम से कम गरीब आदमी की बात तो सुने और गरीब को न्याय दे, गरीब की फिर कौन सुनेगा? अगर पुलिस और प्रशासन गरीब की बात नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? मैं कामरेडों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इलाके की समस्या उठाई है, और कामरेड रामेश्वर जी कह रहे थे मैं उनको बड़ा चौकीदार मानता हूँ क्योंकि वो इलाके की हर समस्या के लिए सजग रहते हैं। इसलिए जय भारत। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे जिले में जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, और चाहे वो हनुमानगढ़ जंक्शन का रवि मेघवाल हत्याकांड हो, चाहे वो नौहर का
पवन व्यास हत्याकांड हो, ब्लाइंड केस हो रहे हैं और यहाँ नशे का इतना कारोबार बढ़ रहा है, चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है, मेडिकल नशे की हालात ये है, चाहे वो हनुमानगढ़ टाउन का 28 नंबर वार्ड हो, चाहे वो हनुमानगढ़ जंक्शन के दूसरे इलाके हो, नौजवान नशे की गिरफ्त में है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और नशा करके इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी यहाँ का पुलिस जो प्रशासन है वो सोया हुआ है, उसको रिश्वत लेने के अलावा कुछ उसको यहाँ ध्यान नहीं पड़ रहा। और कोई अगर कोई फरियादी शाम को थाने में आ जाए अपनी फरियाद लेकर, तो उसके साथ जो व्यवहार यह हनुमानगढ़ की पुलिस करती है वो ठीक नहीं है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आज ये शुरुआत की है पूरे जिले में, और अगर इन सवालों का समाधान नहीं हुआ तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस आंदोलन को और मजबूत तौर पर लेगी और पूरे जिले में इस आंदोलन को मजबूत करेगी। बालाजी रसोई की तरह बालाजी सेवा समिति की ओर से जरूरतमंदों की शिक्षा में भी सहयोग करने के लिए अनूठी पहल की गई है। इसके तहत रद्दी टू एजुकेशन बैंक की स्थापना की गई है, जहां पुरानी किताबों को जरूरतमंद बच्चों के लिए रखवाया गया है ताकि वे अपनी पढ़ाई सुचारू ढंग से कर सकें। बालाजी रद्दी एजुकेशन बुक बैंक, बालाजी रसोई के साथ साथ बुक बैंक के जरिए भी जरूरतमंद बच्चों का सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए पुरानी किताबों को इकट्ठा करवाकर बुक बैंक में जमा करवाया जा रहा है ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा मिल सके और उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए स्कूलों में भी समिति सदस्य संपर्क करने में लगे हैं ताकि स्कूली बच्चे अपनी किताबें इस बुक बैंक में जमा करवाएं, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक उनकी किताबों को पहुंचाया जा सके। बालाजी सेवा समिति द्वारा गत 5 माह से बालाजी रसोई ट्रक यूनियन के सहयोग से चल रही है, जिसमें तकरीबन 300-400 जरूरतमंद खाना खाने के लिए रोज आते हैं। और बालाजी सेवा समिति द्वारा एजुकेशन बुक बैंक का और यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चे अपनी पुरानी बुक्स वगैरह दे जाते हैं और ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अब आगे के लिए जो है नई बुक ले जाते हैं, जिसमें बच्चों का काफ़ी रुझान है और बच्चे काफ़ी आ रहे हैं 3-4 दिनों से। हमें ये संभावना है भी आगे भी ये बच्चे बुक बढ़ चढ़ कर आएंगे और ताकि पुरानी पुस्तकों का लाभ लेंगे। जी बिल्कुल, जिस स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, शहर लेवल पे जितने स्कूल हैं, सभी स्कूलों की बुक्स हैं यहाँ बुक बैंक में रखी जा रही हैं और बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क दी जा रही है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, MCom, ABST, MA ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगर परिषद कार्यालय में हुई RUIDP के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक। बैठक में PWD, PHED, विद्युत विभाग सहित RUIDP के अधिकारी शामिल हुए। EM सुभाष बंसल ने बताया कि RUIDP की ओर से टाउन व जंक्शन में चल रहे कार्यों में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित विभागों को आपसी सामंजस्य से कार्य कर गति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधीक्षण अभियंता गुरनाम सिंह, भरत कुमार, XN हरिकिशन नागपाल, SA संतला सहारण आदि ने भाग लिया। RUIDP फेज 2nd और 3rd में जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए आयुक्त नगर परिषद की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें PWD, PHED, विद्युत विभाग और RUIDP के SE को मेंबर बनाया गया है और नगर परिषद के एक्शन को भी इसका मेंबर नियुक्त किया गया है। इसकी एक मीटिंग पहले आयोजित की गई थी और ये द्वितीय बैठक थी, जिसमें RUIDP फेज 2nd में जो भी पीछे काम पेंडिंग है उसको पूरा करने का टाइमलाइन तय करने के लिए और RUIDP फेज 2nd के जो कार्य चालू कर रहे हैं उनको गति देने के लिए समीक्षा बैठक थी, जिसमें RUIDP फेज 2nd के जो कार्य टाउन में पेंडिंग चल रहे हैं, मिसिंग लिंक बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए चर्चा की गई और जो सीवरेज कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके संबंध में RUIDP का अवगत कराया गया
और जंक्शन क्षेत्र में जो आर यू आई डी पी सेकेंड के अंतर्गत कार्य करवाई गति धीमी है उसको स्पीडअप करने के लिए किया गया। पी एच डी पी डब्ल्यू डी और अन्य विभागों में जो समस्या है उनको सुना गया और जिसके लिए कोई कलेक्टर साहब की समक्ष प्रकरण लाए जाएंगे जो दिक्कत आ रही है या संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और कार्य जो पेंडिंग है उनको शीघ्र पूर्ण कराने का चेष्टा की जा रही है। ये जो पुराना था वो तो करीबन 50 करोड़ के काम आर यू आई डी पी फेस में आर यू आई डी पी ने करवाए थे। टाउन में एस टी पी का निर्माण नगर परिषद ने 7 करोड़ लागत से करवाया था और अभी आर यू आई डी पी फेस 281 करोड़ के कार्य चल रहे हैं उसकी भी इसमें समीक्षा की गई। नोहर में नवनिर्मित पार्क के अंदर पेड़ काटे का मामला सामने आया है। इसमें लगभग एक दर्जन से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। इस संबंध में नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित से मिला और ज्ञापन देकर पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो कि रिको एरिया में एक दर्जन के लगभग हरे पेड़ काटे गए और उन पेड़ों को काट कर खुर्द-बुर्द कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पेड़ बनने में बहुत समय लगता है और उन पे कितने ही पशु उसके नीचे बैठते थे और जो जीव जंतु उस पे आश्रित थे तो उनका आसरा छीन लिया गया और हम ये चाहते हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर उनको अवगत करा दिया गया और हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो जाए जो भी दोषी हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम इसको आंदोलन को आगे ले जाएंगे। वो पता है आज रिको क्षेत्र के अंदर जो हरे पेड़ काटे गए हैं जो कि 20 साल पुराने थे जिनके ऊपर अनेकों पशु पक्षी आश्रित थे उनको अवैध रूप से काटा गया और कटान करके उन पेड़ों को बेचा जाकर खुर्द-बुर्द किया गया है जिसके बारे में श्रीमान एसडीएम साहब को अवगत करवाया गया है। इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। यदि जल्दी कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो श्री जमेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा इसके विरुद्ध में आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इन पेड़ों को काटने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदान के प्रति जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से नोहर नगर पालिका में आज दलित पुनिया ने कर्मचारियों को मतदान करने का संकल्प दिलाया। मतदान के प्रति मतदान करने और अन्य लोगों के संबंध में जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। 2019 को लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में जो स्वीप गतिविधियां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नोर के निर्देशानुसार जो स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही है उनके तहत आज नैतिक मतदान शपथ दिलवाए जाने का कार्यक्रम था जिसके तहत आज पालिका कार्यालय में उपस्थित समस्त कार्मिकों को नैतिक मतदान की शपथ दिलवाई गई। टाउन स्थित टाइम्स कॉलेज में कल्चर वीक का आगाज हुआ। कल्चर वीक के तहत अलग अलग थीम पर बालिकाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को देश की विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित कार्यक्रम हुए जिसमें बालिकाओं ने राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा सहित तमिल संस्कृति को साकार किया। आपको दिखाते हैं विविधता में एकता पर आधारित कार्यक्रम की खास झलकियां। वीक शुरू हुआ है कल से तो आज रूम डेकोरेशन के लिए था तो लड़कियों ने काफ़ी सारा कुछ किया है। ये राजस्थानी थीम हमें दी गई थी जिसके अकॉर्डिंग लड़कियों ने काफ़ी सारा खाना भी बनाया है जैसे कि बाजरे की रोटी लस्सी छाछ वगैरह कुछ भी जो उन्होंने तैयार किया था और काफ़ी लड़कियों ने ट्रेडिशनल टाइप से कुछ बनाया है। कोई ने किसी ने विदेशी तरीके से भी कुछ अलग अलग सुझाव अपनों ने दिए हैं। हमें अलग अलग से थीम दी गई हुई थी उन थीम के अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने अपना अपना अलग अलग प्रदर्शन दिया है और आज अभी थोड़ी देर में रैंक अनाउंसमेंट होंगे और बाकी सब बहुत अच्छा लगा।
कल्चर वीक काफ़ी दिनों से कह रहे थे कल्चर वीक शुरू होगा, सभी लड़कियां भी बोल रही थी कब शुरू होंगे, तो अब भी प्रिंसिपल सर ने कहा है भी आज से कल्चर वीक शुरू करा रहे हैं। गणगौर का उत्सव आ रहा है, इस पर राजस्थानी तरीके से सब कुछ ट्रेडिशनल, राजस्थान में हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है सब कुछ त्यौहार वगैरह। तो कल चटीचंड की छुट्टी है, परसों संडे आ गया, फिर मंडे को रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता है। कॉलेज में कल्चरल वीक स्टार्ट हुए तो उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया और हमें गुजराती समूह प्रदान किया गया जो कि गुजरात राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और हमने उस संस्कृति को प्रदर्शित किया जिसके तहत हमने कान्हा जी का मंदिर बनाया, गरबा प्रदर्शित किया और ढोकला और यहाँ की बाकी डिशेज को बनाया और यहाँ पर प्रस्तुत किया। इससे हमें सांस्कृतिक प्रोग्रामों से हमें हमारे कॉलेज में बहुत उत्साह मिलता है और हम हमारे सभी राज्यों की संस्कृति के बारे में जान पाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है, और इससे हमने गुजरात के सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो ये अपने आज की थीम हमने पंजाबी कल्चर रखी थी, जिसके माध्यम से हमने ये शो किया था कि जो पंजाब के प्राचीन काल में जो भी होते थे, जैसे पक्षियाँ बनाई जाती थी, बाघ की कढ़ाई की जाती थी, औरतें और मैदानी में डालकर दूध को मक्खन निकाला जाता था, वो हमने सारी आज कल्चर के द्वारा दिखाई गई है कि हमारा जो आज विलुप्त हो रहा कल्चर है वो हमने दोबारा उसको पेश किया है। टाइम शिक्षा महाविद्यालय में आज से सांस्कृतिक सप्ताह की शुरुआत हुई है, जिसके तहत विद्यार्थी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं। आज पहले दिन पूरे देश की जो संस्कृति है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इन सब पे विद्यार्थियों ने अपनी अपनी थीम के हिसाब से काम किया। भोजन की व्यवस्था, ड्रेस और उसी प्रकार के संगीत इत्यादि में बच्चों ने, विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम 7 दिन का जो चलेगा, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, रंगोली प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिताएं। महापिता पीताम्बर सेवा संस्थान की ओर से हर बार की तरह इस बार भी भंडारा लगाया गया। संस्थान सदस्यों ने अमावस्या के अवसर पर राहगीरों के लिए भंडारा लगाया और प्रसाद वितरित किया। बताया गया कि जन सहयोग से यह भंडारा लगाया जाता है। पंचायत कलम परिवार व महाविद्या पीताम्बरा सेवा संस्थान के सभी सदस्यगण, सभी गुरु भाई हर अमावस को यहाँ भंडारे में तन मन धन से सेवा करते हैं, और हमारे तो हर साल की बात ही, हर अमावस को तो शाही भंडारा लगता है। हमारे गुरु भाई रतनगढ़, फतेहपुर, गंगानगर, बीकानेर, दूर दूर से भी जो हमारे सेवादार है, वो हर अमावस को यहाँ एक दिन पहले आकर इस भंडारे को बनाने का और वितरण करने का जो काम इन सेवादारों किए जा रहे हैं, तो इतने सालों से ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इसके अंदर, इस भंडारे के अंदर हनुमानगढ़ के तमाम नागरिकों का भी इसमें भरपूर सहयोग रहता है, और सभी गुरु भाई तन मन धन से भंडारा लगाते हैं, और अलग अलग शाही भंडारे में गुलाब जामुन, फलूदा, रबड़ी, गोलगप्पे, दही बल्ले, ब्रेड पकौड़े, कभी पूड़ी छोले की सब्जी, कभी सीरे का हलवा, यानी विभिन्न प्रकार के व्यंजन अलग अलग कमेटी द्वारा सिलेक्ट करके, और हम हर बार नया कुछ करने का यहाँ प्रसाद वितरण करने में का होते रहते हैं। और मैं सभी नागरिकों को और जो स्काई न्यूज़ के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस भंडारे में आकर और तन मन धन से सेवा करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, रोजाना देखते रहिए समाचार, नमस्कार।